हो गया। उजाला हो गई है और अब तक हम गाड़ी नहीं मिला। हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है, कहीं भी जाते थे। देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। वाह, बहुत ज्यादा सामान भी है ना, तो बहुत ज्यादा पापा बहुत दिक्कत हुआ। पर दोस्तों देखिए पापा जी लेने आए हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार करता हूँ दोस्तों, प्रणाम। और हमारे फैमिली की तरफ से आप सभी को प्यार भरा सुबह के गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज दोस्तों बहुत ही मतलब खास स्पेशल दिन है दोस्तों। हम मतलब जहाँ जाने वाले थे आज, अब कौन जाएंगे और आप सभी को भी वीडियो में पता चल जाएगा शुरू से लास्ट तक अगर देखोगे तो। अगर नेक्स्ट वाले ब्लॉग देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा हम कहाँ जाने की। आज काफी सुबह बोल रहे थे तो आज 4 बज रहा है सुबह। 4 नहीं बजे, अभी 3:30 ही बज रहा है। 3:30 बज रहा है दोस्तों, हमको 3 ही बजे से आँख खुल गया है। हाँ मतलब गाड़ी पकड़ना होता है ना दोस्तों, हाँ। सुबह का ही गाड़ी है तो जल्दी उठेंगे नहीं तो पकड़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोग भी जाएंगे तो सारे रूम को मतलब साफ उफ कर जाएंगे तब ना, सारे घर को साफ उफ करेंगे। तो देखिए उधर गया तो उसके पास जितना भी था सामान वान साफ कर दिए हैं। और इधर हमारी बिटिया रानी और आदित्य बाबू गया है। ठंड लग रही बहुत ज्यादा ना, कैसे जाएंगे पता नहीं। आप सभी को दिखा सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा अंधेरा भी है, देख सकते हैं दोस्तों पूरा अंधेरा हुआ है। इतना ही अभी अंधेरा है दोस्तों, धीरे धीरे उजाला भी हो जाएगा मेरे को जाते जाते। पहले तो अभी काम वाम करेंगे घर का, फिर जाकर थोड़ा अच्छे से मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ठंड बहुत ज्यादा ही लग रही है बाहर में, अब अंदर में चलेंगे। जैसे हम पैर रंग रहे हैं कितने दिनों बाद पैर रंग रहा था। चलिए दोस्तों रंगते हैं। और मम्मी भी तैयार मतलब हो गई, पहले मम्मी तैयार हो रही है क्योंकि बाबू लोग को तैयार, बाबू को भी तेल लगाना, दवाई ववाई पिलाना है। तो मम्मी बोली हम कर देंगे और हम घर का भी सारा काम करके। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हम तैयार हो गए हैं जाने के लिए, जो कि और सभी को रेडी, सारे को ये सब तैयार हो गए दोस्तों। और हमारे बाबू भी तैयार हो गया और उधर अदिति भी तैयार हो गई है। अदिति तैयार नहीं है नहीं देखो, सब लोग तैयार हो गए अब जाने के लिए, तैयार हो गए, अब समय भी हो गया निकलने का, समय भी हो गया निकलने का दोस्तों। तब तो निकलेंगे ही और हम भी हो गए रेडी। और हमारा बैग भी इतना हो गया दोस्तों, कैसे बहुत सारा सामान हो गया दोस्तों। इधर बैग एक ठो है और इधर एक बोरा, एक बोरा दो बोरा और इधर एक थैला भी है दोस्तों। गिर जाओगे बेटा। एक इधर बैग भी है नीचे वाला दोस्तों, देखिए बहुत सारा। हाँ तो कुली भरना पड़ेगा, कुली भरना पड़ेगा। चलिए दोस्तों इस तरह आप लोग बने रहिए और हम लोग भी दोस्तों अब जाएंगे। और आप लोग शुरू से आज तक ब्लॉग को देखिएगा दोस्तों, प्लीज थोड़ा भी स्किप करके ना देखिएगा। चलिए सकते हैं अब हम लोग घर से निकलने वाले हैं, बस तुरंत ही निकलेंगे। और जो भी हमारा बेड था दोस्तों, बेड का जितना भी सामान इस तरह से समेट दिए कि घर पर रहेंगे नहीं 15 दिन में, आएंगे कि 1 महीना, तो इसलिए दोस्तों समेट दिए हैं कि चूहा हुआ ना काटे। और मम्मी उम्मी इधर सभी को अपने अपने काम में, बिटिया रानी वो भी जो कि तैयार हो गई है। तो चलिए दोस्तों आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे, मिल रहे दोनों दोस्तों। देखिए फाइनली हम निकल गए और हमारे के पास भी सब चीज हो गया है जो कि रेडी दोस्तों। अब हम लोग निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया। अब यहाँ हल्का हल्का झोला भी हो गई है, हम लोग तो देखिए ना हमारी बिटिया रानी अभी आ गई गोदी में, आधी हाथ में है दोस्तों। इन लोग सब कुछ सामान ढोएंगे ना, इस दिन दोस्त अकेले हम लोग मिल के सफर करेंगे। हाँ मामा। तो चलिए दोस्तों इस तरह आप लोग बने रहे और अब जा रहे हैं यहाँ से बख्तियारपुर। आरती को पैर छुए नाम है दोस्तों दीदी को, मतलब पैर छूने के लिए फोटो को, तो हम पैर छू लिए थे। ये नहीं मतलब पैर क्या छुएंगे ऐसे, मतलब बोलते हैं कि हम अच्छे से मेरे घर को देखते रहना, तो वो मेरी दीदी करेगी ही अपना जो उनका फर्ज है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, मम्मी अंदर में है, मम्मी भी आएगी पीछे पीछे। मतलब एक भैया है ना वही साइकिल से बोले सामान आगे तक छोड़ देंगे टेम्पू, तो चलिए हाँ टेम्पू तक। तो चलिए देख सकते हैं दोस्तों, निशा काली माता का प्रणाम करने गई है मंदिर में।
ये रास्ते में पड़ता है दोस्तों हमारे को घर निकलते के साथ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं, अब तभी तो आधे रास्ते में थे, अब पूरा रास्ता में रोड के किनारे आ गए हैं। गाड़ी उड़ी चलता दिखता ही होगा तो। और देखिए यहाँ पर बैग मोटी सारे चीज़ जितना चीज़ जाना है टाटा आ गई है, अब मम्मा भी आ गई मेरी। और अब हम लोग यहाँ से खाली गाड़ी का कब तक आएगा गाड़ी दोस्तों, यहाँ गाड़ी का ही तो बहुत दिक्कत होता है, वहाँ से आएगा बेटा। हाँ। तो मेरे आदित्य बाबू देखे क्या कर रहा है, बोल बेटा। हेलो चाची बोल दो। दोस्तों बहुत देरी हो गया, एक घंटा करीबन, कितना उजाला हो गया ना, सुबह हो गया, उजाला हो गई है। और अब तक हम गाड़ी नहीं मिला, हमेशा हमारे साथ ऐसा होता है कहीं भी जाते हैं तो इसलिए गाड़ी और ये काम ध्यान उतना नहीं रखते। अब देखिए लगता है क्या होगा, घर जाना पड़ता है कि जा पाएंगे वो तो भगवान ही जानता है। आ भी नहीं रही है अभी तक, बस स्टेशन हरनौत से बख्तियारपुर आ गए दोस्तों। कितने देरी के बाद दोस्तों मिला गाड़ी, और इधर सभी को आ रहे हैं। अंजलि देख सकते हैं सबसे आगे पूरा लेकर गई है, इधर देख सकते हैं पीछे बैग दोस्तों। आज एकदम मज़ा आ रहा है, मज़ा क्यों मज़ा क्यों आ रहा है देख सकते हैं, ये बैग खाली लिए हुए हैं और मम्मी उम्मी सब बूढ़ा बकू सब हम लोग खाली बैग लिए हैं। तो आप क्या लियो, खाली बैग ले ले, एक बैग आप बेबी हमारी गोदी में। तो चलिए दोस्तों स्टेशन अब चलते हैं, कितने ये गाड़ी मिला ना, वो भी गाड़ी एकदम फास्ट चला था बस दोस्तों। तो टाइम तो पहुंच गया, तो अंजलि दोस्तों जा रही है आगे आगे बोला हिंडो। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, खूब ज़्यादा सारा मस्ती होएगा, आप सभी को देखने को मिल जाएगा। स्टेशन पर पहुँच गए और हमारे घर पे मम्मी अंजलि सभी को ही है, और यहाँ पर जो कि हमारा सामान वामान पूरा रखा हुआ है दोस्तों। और हमारे हस्बैंड जी गए हैं मिठाई उठाई लाने के लिए, नंदिनी बोली वही लाने के लिए गई है। नहीं तुम कहाँ जाएगे, तुम कहीं नहीं जाए, और देखते हैं कब तक आते हैं, ट्रेन भी आने का टाइम हो गया है दोस्तों, बस तुरंत ही आने वाली है। कितना टाइम है, 10 मिनट मात्र लगता बचा है, 10 मिनट तुरंत आ जाएंगे, वही तो गए। तो चलिए आते हैं और ट्रेन में बैठेंगे दोस्तों, कब तक आता है ट्रेन। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, जल्दी उठा के गाड़ी टाउन में 81-84 दानापुर टाटानगर सुपर एक्सप्रेस एकदम प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ये कितना नींद था, सॉरी देखो नींद आ ही रहा। तो दोस्तों हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन बहुत स्पीड का चल रही है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत तेजी से चल रहा है। हम लोग ट्रेन में बैठ गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गई है, और इधर देख सकते हैं कि पापा रंजन इधर बैठी है, देखो पापा भी सोई है। तो दोस्तों देखिए निशा को सीट नहीं मिलने पर तो निशा खड़ी खड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं जनरल बोगी में हम सब गए आ रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों, और निशा को सीट नहीं मिला, वो तो सीट मिला था दोस्तों, जिनका सीट था उनको दूसरे के सीट पे हम बैठे हुए थे। फाइनल नगर पहुँच गए और हमारे सामान उतर रहे हैं, मम्मी भी उतार रही है, इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अब उतारते हैं और पापा भी आएंगे हमारे, तो चलिए अब चलते हैं, जल्दी से उतारिए और हम लोग हम और पापा दूसरेंगे दूसरे। अरे देखिए पूरा ट्रेन दोस्तों पूरा अच्छे से खाली हो गया दोस्तों, फाइनली कर गए और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, मतलब बहुत अच्छा ही हुआ, बहुत ज़्यादा सामान भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी बहुत दिक्कत हुआ, पर आज भीड़ भी था ना ट्रेन, इतना भीड़ दोस्तों की इतना भीड़ में कभी नहीं आया हमारा ट्रेन, यही ट्रेन से आए इतना भीड़, मेन बात हम लोग ना ये में बैठ गए थे गलत जगह ही बैठ। देखिए पापा जी लेने आए हैं, घर जाएंगे उसके बाद घर में मजा करेंगे। देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, मम्मी जी माता पे ले रखे
हम भी एक ले रखे दोस्तों, बैग है एक पीछे टांग रखे, पीछे भी नहीं लिए हम तो, दो दो टांग रखे देख सकते हैं दोस्तों, एक पीठ में टांग रखे हैं एक इधर चक्का वाला। अभी सीढ़ी मतलब चढ़ेंगे दोस्तों, पुल है जो कि डायरेक्टली टेम्पू तक हम लोग को ले चल जाएगा। पुल पुली ना उसको बोलता है, पुलिया पुलिया चाहे पुल कुछ भी। तो दोस्तों चलिए इसी तरह आप लोग बना रहे और हम जा रहे हैं टेम्पू के पास। दोस्तों फाइनली हम अपना घर पहुंच गए हैं, टेम्पू मतलब टेम्पू में बैठ कर फिर यहाँ अपने घर भी आ गए। देखिए खुश रहे और पहले पैर धो लेते हैं उसके बाद जाके आप सभी से सबको मिलवाते हैं। दोस्तों कंकन हमारे घर पर अभी है तो फाइनली हम हाथ पैर भी धो लिए हैं और घर पर आ गए हैं। और इधर जो खाना बना रहे हैं इधर मेरी दादी और इधर मौसा जी देख सकते हैं, बच्चे को सबसे पहले पकड़ के मौसा खिला रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम निकालता है बहुत जी बाप की तरह निकाल रहा है आपको जब निकालते देखाएगा। और बहुत लोग आए दोस्तों मेरे मतलब जो भी बहन हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि कुछ कहने का नहीं। इधर सभी को ये और वो वाले रूम पे दीदी जो कि खाना बना रही है दोस्तों हमारे घर पे। दोस्तों इधर खाना उना बन रहा है, कितने बजे खाना वाना बन जाएगा उसके बाद जाकर आप सभी से मिलते हैं दोस्तों। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बस देखिए हमारे खातिरदारी भी और नंदिनी जी पहले से यहाँ पे आई हुई थी, हाजिर हो गए थे दोस्तों। खाना बना के नहीं रखी है ना तो अच्छा, अच्छा धमकी दे रही थी। धमकी क्या दे रही थी दोस्तों, अच्छा वो भी जरूरी है दोस्तों, पका के भी तो रखना है, कितना ट्रेवल करके आएगी तो था कि हमें कितना ट्रेन इतना भीड़ ना कि बता नहीं पता, बहुत ज्यादा भीड़ थी दोस्तों की टिकट हम कर दे कंफर्म, तो इसको बोली थी अभी डॉक्टर पास दिखाएंगे इसी चलते हमने करा, हम भी कुछ नहीं बोले फिर क्या बताएंगे। जनरल वाला में चढ़े खड़े खड़े है एक पैर पे। तो दोस्तों उस तरह आप लोग ब्लॉग तो बन गया दोस्तों, अभी उधर सबसे जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तभी हम खाना बना रहे दोस्तों, तो आप लोग खाने को मिलेगा दोस्तों। तो फाइनली काफी ज्यादा टाइम हो गई है और खाना भी बन गया है और अब ये खाने को जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग भी खा लीजिए, देखिए दाल चावल और इधर सब्जी है दोस्तों। इधर गुल्लू बैठ कर खा रहा है ना, गुल्लू हाय कर दो, गुल्लू शर्मा क्या रहा हाय करो, बन गया रहा। आप लोग भी आइए खा लीजिए, उसके बाद हम लोग भी खा लेंगे और चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को देखने को सब चीज मिलेगा दोस्तों, तो आप लोग आ ही गए हैं दोस्तों, अब कल सुबह से मतलब बढ़िया से अपने आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।